सुप्रभात बेटा, जैसा कि आपको पता है कि सूरदास द्वारा रचित दो पद हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब तीसरे पद से देखिएगा, तीसरे पद का यहाँ पे किलकत कान घुटुरुवन आवत। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बचपन की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान में कान्हा अर्थात श्री कृष्ण, घुटुरुवन माने घुटनों के बल, आवत माने आते हैं। कहाँ पे आते हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन। मणिमय माने मणि युक्त, कनक माने सोने, मणियों और सोने से जड़ी नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ी वे धावत, बिंब परछाई अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो फिर से देखिएगा, यहाँ पे कवि सूरदास जी यह कहना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में किलकारी मारते हुए जब घुटनों के बल चलते हैं नंद बाबा के सोने और चांदियों से युक्त आंगन में, तो उस आंगन में अपनी परछाई उन्हें दिखती है और उस परछाई को पकड़ने के लिए ही वो दौड़ते हैं। कबहू निरख हरि आप छाको, छा मीन्स परछाई, निरख माने देख करके, हरि मीन्स प्रभु ईश्वर। तो सूरदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु कभी आप अपनी परछाई को ही देखकर, कर मीन्स हाथ, सो माने से पकड़ने पकड़ना, चाहत माने चाहते हैं, कभी आप अपनी परछाई को उस आंगन में देखकर उसे पकड़ना चाहते हैं। अर्थात जैसे कोई चमकीली भूमि होती है चमकदार, तो उसमें जो व्यक्ति की परछाई दिखती है उसी प्रकार बचपन में भगवान श्री कृष्ण जब अपने आंगन में खेलते थे तो उस आंगन में उन्हें अपनी परछाई दिखती थी और उस परछाई को पकड़ने के लिए बार बार वो हाथ पांव मारते थे। किला की हसत राजत जो दतिया, किला की मीन किलकारी मारती, ये छोटे बच्चे होते हैं जो बचपन में जो हंसते हैं उनके दो माने दो दोनों दांत जो है दिखाई देने लगते हैं। अब पुण्य पुण्य ती अवगाहत, बार बार वह यही प्रक्रिया कर रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक मीन स्वर्ण सोने, नंद बाबा के सोने जैसी भूमि पर आंगन में उनके हाथ और पैरों की छाया इतनी सुशोभित हो रही है, इतनी अच्छी लग रही है कि वहां की सुंदरता और अधिक बढ़ गई। जिस प्रकार कर कर प्रतिपद प्रतिमन, प्रतिमन मैंने प्रत्येक मणियों से युक्त उनके हाथ और पैरों की सुंदरता को देखकर स्वयं पृथ्वी ने अपने आप को कमल बैठ की साजत, कमल के रूप में बना लिया। अर्थात स्वयं कमल के रूप में पृथ्वी ऐसी मुलायम और कोमल हो गई कि प्रभु को तनिक भी हाथ और पैर पटकने पे उन्हें चोट न लगे। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बचपन के उस दशा स्थिति को देख करके यशोदा माँ बार बार पुनः पुनः नंद बुलावत, नंद बाबा को बुला रही हैं और उसके बाद अचरा तल लय ढाक, आंचल के नीचे श्री कृष्ण भगवान को ढक करके उड़ा करके प्रभु को दूध पियावत, उन्हें दूध पिलाने लगती है। ठीक है बेटा, ये तीसरे पद का अर्थ है। अब चौथा देखेंगे। मैं अपनी सब गाय चराई हूं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से नाराज हो गए हैं क्योंकि उनकी माँ उन्हें गाय चराने के लिए नहीं जाने दे रही है। तो अपनी माँ से कहते हैं श्री कृष्ण कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे मैया मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा, प्रात होत बल के संग जई हो, सुबह होते ही बल मीन्स बलराम, श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे उनका नाम क्या था? बलराम। सुबह होते ही मैं अपने बलराम भैया के साथ जाऊंगा और तेरे कहने रही हूँ और तुम्हारे कहने से भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूं डर नहीं लागत, मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में नए कहूं माने तनिक तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई, आज नंद बाबा चाहे क्यों ना आ जाए मैं आज सोऊंगा नहीं, रैन ही रहूंगा जागत, रैन में रात रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए और ग्वाल वाले सब गाय चराएंगे और मैं घर बैठो रही हूँ और मैं घर बैठा रहूंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो, अब प्रात जान मैं दे हूं। इस पर माँ यशोदा कोमलता पूर्वक श्री कृष्ण के प्रेम में भर जाती हैं और कहती हैं कि श्याम हे श्री कृष्ण तुम सो जाओ बेटा, सुबह होते ही मैं तुम्हें
जाने दूंगी। तो यहाँ कवि सूरदास भगवान श्री कृष्ण और माँ यशोदा के प्रेम को दर्शा रहे हैं, ठीक है, जिसे और बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अरे बाल लीला तो सुन भी बता।